ऑलराइट, सो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वाले वीडियो में बात की थी कुछ ऐसे कीबोर्ड्स के बारे में जो कि अंडर 1000 रुपीज़ आते हैं, तो इस वाले वीडियो में भी ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है, बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि इस वाले वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कॉम्बोस के बारे में, माउस एंड कीबोर्ड के कॉम्बोस के बारे में, जो कि 1000 रुपये से 1500 रुपये के आसपास आते हैं। एंड एज यूजुअल इस वाले वीडियो में आपको तीन ऐसे बेस्ट कॉम्बोज बताने वाला हूँ जो कि आप परचेस कर सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पे। एंड डेफिनेटली एज यूजुअल आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की देखने को मिल जाएगी, सो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं, आप सिर्फ वहीं से बाय कर सकते हैं। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्टली अगर मेरी कोई रिकमेंडेशन होगी अंडर 1000 रुपीज़ तो वो होगा ये एंटी स्पोर्ट का KM580 माउस एंड कीबोर्ड कॉम्बो। एंड ये जो कॉम्बो है ना, ये आपको टू बी एग्जैक्ट 999 में आपको ये वाला कीबोर्ड एंड माउस मिल जाता है। एंड मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है अंडर 1000 रुपीज़, बिकॉज मैंने इसको यूज़ किया हुआ है एंड यूज़ करते ही रहता हूँ थोड़ा बहुत, तो मेरे हिसाब से ये वाला जो कॉम्बो है काफ़ी अच्छा कॉम्बो है। ओवरऑल अगर मैं बिल्ड वगैरह की बात करूँ तो आपको पूरी प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है कीबोर्ड में, एंड मुझे ऐसा मतलब कोई इशू नहीं लगा बिल्ड क्वालिटी वगैरह में। एंड जो माउस वगैरह भी वो भी काफ़ी अच्छे से चल जाता है, एंड ऑब्वियसली आपको लाइटिंग वगैरह माउस एंड कीबोर्ड दोनों में ही देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल ये एक फुल साइज़ कीबोर्ड आपको इसमें देखने को मिलता है। एंड जो माउस भी है ना, वो थोड़ा बड़े हाथ वाला माउस है, आई मीन आपका अगर नॉर्मल बहुत छोटा हाथ होगा तो वो थोड़ा सा आपको माउस बड़ा लगेगा, बट अगर आपका जो हैंड है वो मीडियम साइज़ या फिर बड़े साइज़ का है तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट अगर बहुत ही आपका हाथ जो स्मॉल होगा तो वो थोड़ा सा बड़ा माउस हो सकता है। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से ये वाला कीबोर्ड है, लाइट वगैरह अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल अंडर 1000 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस भी आपको जो इसकी की है वो मेम्ब्रेन की है, एंड फ्लोटिंग आपको टाइप की मिलती है, तो आपको थोड़ा बहुत हल्का सा लगेगा कि हाँ देखने में लगेगा कि मैकेनिकल है, बट मैकेनिकल तो नहीं है ऑब्वियसली। एंड मेरे हिसाब से ये जो है जो इस प्राइस पॉइंट पे आता है वो एक काफ़ी अच्छी आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो डेफिनेटली अगर आप 999 में अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं एंड 100-200 रुपये भी आप एक्स्ट्रा नहीं स्पेंड करना चाहते तो एंटी स्पोर्ट का KM580 एक काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए, आपके गेमिंग सेटअप के लिए। सो अब नेक्स्ट वाला जो कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो है, वो वाला लास्ट वीडियो में मैंने जो कीबोर्ड बताया था ना फायरबॉल का, सेम कीबोर्ड है बस उसमें आपको फायरबॉल का एक माउस को चिपका दिया गया है। बट ओवरऑल ये जो कॉम्बो है ये मेरे हिसाब से 1200-1300 रुपये का आता है, एंड मतलब जो सेल वगैरह होती है ना तो इन सभी की जो प्राइसेस है वो और भी ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो अभी के टाइम पे ये 1300 रुपये का शायद मिल रहा है, तो सेल्स वगैरह में अगर आप लेंगे तो ये मेरे हिसाब से 1100 रुपये का भी मिल जाएगा। एंड उस हिसाब से ये वाला जो कीबोर्ड है ना, ये एक TKL कीबोर्ड है, तो आपको जो नमपैड वगैरह मिलता है वो नहीं मिलेगा, एंड ऑब्वियसली गेमिंग में क्या ही नीड है उसकी नमपैड के, मतलब यूजलेस होता है गेमिंग में, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा चॉइस हो सकता है। अब बिकॉज मुझे इस कीबोर्ड तो काफ़ी अच्छा लगा ही लगा इसके फॉर्म फैक्टर की वजह से एंड ओवरऑल लुक की वजह से, बट इसका जो माउस है ना वो भी मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज मुझे जो है सिंपलिस टाइप का थोड़ा सा मतलब प्रोडक्ट चाहिए होता है ताकि वो अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा फंकी नहीं मुझे अच्छा लगता। बट ओवरऑल अगर आप उनमें से हैं जो कि थोड़ा सा मिनिमलिस्ट टाइप का माउस या फिर कीबोर्ड या फिर कोई भी चीज़ पसंद करते हैं तो मेरे हिसाब से ये वाला कीबोर्ड आपको एंड माउस आपको काफ़ी अच्छा लग सकता है। अब बिकॉज ये वाला जो कीबोर्ड ये एक TKL कीबोर्ड है तो ऑब्वियसली आपका जो डेस्क पे स्पेस है वो काफ़ी कम लगेगा एज कम्पेयर टू फुल साइज़ कीबोर्ड। हाँ वैसे जो इसकी बिल्ड वगैरह है वो पूरी प्लास्टिक बिल्ड है, कहीं से भी आपको यहाँ पे मेटल का नहीं यूज़ किया गया, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पर्सनली मैंने इसको थोड़ा बहुत यूज़ किया हुआ है तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा, करंटली मेरे पास तो अभी नहीं है तो मैं आपको शो नहीं कर सकता, बट हाँ ये क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको कोई कंप्लेन मेरे हिसाब से नहीं होगी। तो ओवरऑल माउस की भी जो क्वालिटी है एंड जो कीबोर्ड की भी क्वालिटी है वो अच्छी है, नो डाउट। अगर आप 1300 रुपीज़ पे कर रहे हैं ना तो आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू इस वाले कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो में मिल रही है, तो डेफिनेटली आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो जो लिस्ट का लास्ट कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो है वो आई डोंट नो आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फेमस है अमंग इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। सो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ज़ेब्रोनिक के ट्रांसफॉर्मर सीरीज़ के बारे में, एंड मेरी सबसे ये वाला जो कीबोर्ड है ना ये जिस प्राइस पॉइंट पे आता है अभी के लिए, अभी इसकी जो प्राइसिंग है वो 1300 या 1400 रुपये है, बट नॉर्मली इसकी जो प्राइसिंग लाइटनिंग डील में होती है वो 1200 रुपये होती है, तो मेरे हिसाब से उसके मतलब उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस वाले जो कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो वन ऑफ़ दी बेस्ट है। अब बिकॉज ये वाला जो कीबोर्ड है ना इसकी जो टॉप प्लेट है वो पूरी मेटल की प्लेट है, एंड भाई इस वाले कीबोर्ड एंड माउस को हाथ में फील करने पे लगता है कि हाँ एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला है। एंड ओवरऑल इस वाले माउस एंड कीबोर्ड को भी मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, तो भाई मैं कहना चाहूँगा कि
ये मैंने सबसे वन ऑफ द बेस्ट, अगर मैं बिल्ड क्वालिटी एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो ये माउस एंड कीबोर्ड कॉम्बो वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। बिकॉज भाई यहाँ पे आपको जो टाइपिंग में फीडबैक मिलता है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट है। अगर मैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड की आज तक मैं बात करूँ, जितने भी मैंने 1100-1200 रुपये के अंदर जो भी मेम्ब्रेन कीबोर्ड आते हैं उन सभी में अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो ज़ेब्रोनिक के ट्रांसफॉर्मर सीरीज वाले कीबोर्ड में ही रहा है। अब ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी तो ऑब्वियसली अच्छी है ही है, बट उसी के साथ साथ जो ओवरऑल जो इसका फीडबैक है ना टाइपिंग वगैरह का, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट अगर मैं बात करूँ इसके लुक एंड डिज़ाइन की, तो पर्सनली आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ फंकी डिज़ाइन, तो वो पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, हो सकता है ना लगे, बट ओवरऑल पर्सनली मुझे इस टाइप की डिज़ाइन नहीं पसंद है बिल्कुल भी। मुझे सिंपल एंड मिनिमलिस्ट टाइप के ही प्रोडक्ट्स ही होते हैं, बट ओवरऑल हो सकता है कि आपको अच्छा लगे। तो डेफिनेटली ये वाला जो कीबोर्ड माउस एंड कीबोर्ड कॉम्बो है ना, ये बिल्ड क्वालिटी एंड ओवरऑल फीडबैक एंड लाइटनिंग वगैरह तो इसमें अच्छे है ही हैं, एंड प्राइस पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा सही है। सो डेफिनेटली ये वाला जो कीबोर्ड है आप ले सकते हैं, आपके जो गेमिंग सेटअप है ना उसमें ये वाला कीबोर्ड काफ़ी अच्छा लगेगा। बट एक प्रॉब्लम है कि ये वाला जो कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो है ना, वो मतलब ब्लैक कलर में नहीं है, वो थोड़ा सा सिल्वर टाइप में है। तो आप देख लीजिए आपको अच्छा लगता है या फिर नहीं अच्छा लगता है, बट मेरे हिसाब से 999 में अगर आपको लेना है तो एंटीस्पोर्ट का KM580 लीजिए। अगर आप TKL के साथ जाना चाहते हो तो डेफिनेटली ईवो फॉक्स वाला लीजिए, एंड ये तीनों ही बेस्ट है भाई, सभी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। हाँ, बस एडवांटेज आपको ज़ेब्रोनिक मिलता है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है एंड मेटल का यूज़ किया गया है। तो आपके ऊपर है, आपको जो भी चाहिए आप डेफिनेटली उसको परचेज कर सकते हैं, एंड जो लिंक है एज यूजुअल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो दैट्स इट गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, एंड आपने डिसीजन बनाया हो किसी भी एक कॉम्बो को बाय करने का, तो प्लीज़ जो लिंक है वहीं से आप उसको बाय करिए, इससे चैनल को थोड़ी सी हेल्प होगी। एंड आप बताइए नीचे कॉमेंट किए आपको किस टाइप के और भी, मतलब इसी टाइप का अगर आपको वीडियो चाहिए कोई माउस के बारे में, या फिर किसी पर्टिकुलर कॉम्बो में अगर आपको पर्टिकुलर रिव्यू वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में भी नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो दैट्स इट गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स मी, साइनिंग ऑफ, बाय, पीस।